उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट विधानसभा में, और जहां हम लोग मौजूद हैं वो है कैराना, और कैराना से दो कैंडिडेट हैं जिनके बीच में जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है। एक तो है गठबंधन से नाहिद हसन, जो कि फिलहाल जेल में है, उनकी बहन है, वो प्रचार प्रसार कर रही हैं इकरा हसन। इसके अलावा जो दूसरी मजबूत तो कैंडिडेट हैं वो है मृगांका सिंह, जो कि हुकुम यानी कि जो स्वर्गीय हुकुम सिंह हैं उनकी बेटी हैं। अब ऐसे में हमारे साथ किराना की कुछ आवाम है, जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि अब की बार कैराना में क्या कुछ नया होने वाला है, और अब की बार कैराना से कौन विधायक चुना जाएगा, क्योंकि जो पहले विधायक रह चुके हैं वो है नाहिद हसन जी। क्या नाम है? राकेश चौहान। राकेश जी, क्या कुछ होने वाला है किराना की सीट पे? की बात यहाँ जो है जी, बीजेपी जीतेगी, बहुत बहुत बढ़िया मतों से। बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा मरकांका जी। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले की विपक्ष वाले तो बोल लेंगे ना, उनका काम है बोल लेंगे, वो क्यों नहीं बोल लेंगे। कैसे आ रही, क्या समीकरण है? मतलब आपने भी पता, काफी दिन से यहाँ जो है बीजेपी दो थड़ों में बट जाती है। अनिल चौहान नाराज चल रहे थे, मरकांका जी अलग थी। आज आपने देखा है भी एक घंटा पहले चौहान साहब ने भी अपना समर्थन जो है बुआजी को दे दिया, और बीजेपी का टोटल वोट एक जगह है। तो बीजेपी यहाँ से जो है, जैसे पहले 20-21 हज़ार से आ रही थी, ऐसे ही 20-21 हज़ार से जितेगी। अनिल चौहान के 20-21 हज़ार वोट थे, उनसे ही वो जो है बुआजी हार गई थी, और इब के 20-21 हज़ार से जितेगी। 20-21 हज़ार से जीतेगी? जी जी, 20-21 हज़ार, मतलब पटकनी मारने वाली है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, कैसे देखते हैं भाई? पार्टी का कैडर का वोट है ना, जो क्षेत्र में वर्क है, पिछले मतलब 30 साल हो गए हमें भी काम करतो करतो जी। पार्टी की मजबूत पकड़ है, कुछ आपसी मतभेद के कारण ही चुनाव हार गए थे, लेकिन ये चुनाव तो क्लियर स्पष्ट स्थिति में है। यहाँ बुआ जो मरगांका सिंह है वो क्लियर जीत जाएगी। तो फिर किसकी सरकार बनने वाली है जी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी प्रदेश में। ऐसे सरकार बनेगी कि जो आपके यानी कि भाजपा के नेता हैं उनके लगातार इस्तीफे हो रहे हैं? नहीं, वो तो स्वार्थ में भाग रहे ना। कैसे स्वार्थ? स्वार्थ में भाग रहे। मैं मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यू उनके परिवार फैमिली या सारा टिकट अपनी लड़की उनकी सांसद है, आगे 4-5 टिकट मांग रहे थे भाई जी। तरह एक धर्म सिंह सैनी है, ये सब लोग स्वार्थ में भाग रहे। पार्टी का वोट थोड़ा ही भाग रहा, वो भाग ले लो वहाँ से रेवड़ी। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने का, और बहुत भारी मतलब जीत होगी इस कैराना सीट पे। तो फिर क्यों पथराव किया जा रहा है भाजपा के जो यानी कि जो कैंडिडेट है उनके ऊपर क्यों पथराव किया जा रहा है? ऐसे अगर कोई बेवकूफ बन जाए उसका तो इलाज है नहीं। अच्छा, बेवकूफ आदमी कर सके इस काम ने? समझदार आदमी नहीं करने का इस काम ने? तो लोग बेवकूफ है जो बेवकूफ है जो पथराव करे, अकल नहीं है, अकलबंद आदमी नहीं इस काम ने करने का। अच्छा, केवस जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो अपने गांव में गए, वहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, उनको भगा दिया वहाँ से जी। लेकिन वो धोखा देगा, भागा बीजेपी को। अच्छा, हाँ कौन? नहीं, बीजेपी में कौन? केशव प्रसाद। भूल गए क्या? हाँ भूल गए। क्या भूल गए बताओ जल्दी से। वो डिप्टी सीएम है जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एक बात बताओ, गांव में घर में भी विरोध हो आदमी का, तो इतना जबरदस्त विरोध? चंद लोग हैं जो करेंगे, आपका नहीं करते, हमारा नहीं करते। कुछ लोग तो घर में भी 5-4 आदमियों का परिवार है, उनमें एक दो तो खिलाफ रहे, तो गांव में कर दिया अपन। जैसे उन्हें चैनल वालों ने दिखाया दिया बीजेपी का विरोध होगा, बीजेपी का कैंडिडेट का विरोध होगा। कहाँ विरोध होगा उनका? डिप्टी सीएम ऐसे ही बन गए थे, मैं छवि नहीं है क्या उनकी? उनको तो कहते हैं स्टूल मंत्री है वो जी। हाँ, स्टूल मंत्री है, यूपी के सीएम है वो, तो मतलब सीएम बनने वाले थे। बना लिया अभी कोई बात है, ये तो वो थोड़ा सा स्टेज पे एक बार बैठ गए थे वो, वो स्टूल मंत्री इसलिए कह दिया, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किसान कितने नाराज हैं अब की बार? किसान कोई नाराज नहीं है यहाँ पे। हम भी किसान है, ये भी किसान है, सब किसान है, यहाँ कोई किसान नाराज नहीं है। किवाड़े सो रहे ना किसान? तो किसान हाँ बिल्कुल खुले किवाड़। ये कराना के जहाँ हम खड़े ना, यहाँ से 4-5 बजे के बाद में चारों तरफ जो रास्ते है उसमें ही अभी, क्योंकि मैं खुद देखा यहाँ से 2013 की बात कर रहा, मेरा लड़का एक आर्मी में है, वो जब भी आवे था छुट्टी दिल्ली या भाई पानीपत जम्मू से, तो 4 आदमी हम लेने के लिए कराने उसको जब घर तक लेके जाते। अच्छा, ये डर था। और आज खुले रात के 2 बजे भी मोटरसाइकिल पर अकेला फैमिली लड़की, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे जो पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, तो क्या पलायन हुआ यहाँ? कितने लोग में यहाँ पलायन हुआ? अभी तो कोई पलायन नहीं है, अभी तो लोग में जो जा रहे थे, बल्कि पैर से भी लोग हैं। दिन में गोली ठुकी यहाँ तो किसने? बनियों का है, बदमाशों ने। तो फिर क्या, इसलिए भागे? डर के तो भागना ही था बेचारों ने, और क्या करते? बनिए लोग थे वैसे ही कमजोर हो तो दिल के, तो उनको गोली मार दी। गोली कहीं मरे, यहीं था बीच बाजार ही मरे, सब पता सब ने, ऐसी बात नहीं। ये तो किन लोगों ने गोली मारी बताएंगे क्या? बदमाश लोग हैं, और किन लोग मैं खुल के बताऊं क्या? आपने आपने पता क्या? बदमाश लोग सपा के गुंडों ने मारी जी। सपा के गुंडों ने जी? ये तो बात कहने वाली जी भाई साहब, बदमाश सपा में गुंडागर्दी हो है। बीजेपी में ये जाकर चैन मनाया लोगों ने, रात महसूस कर रहे बहुत बढ़िया। अच्छा जी जी, जहाँ खड़े यहाँ खड़ा होना संभव नहीं था। जिस तरह अब लोग किसी भी टाइम चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा कर जा रहा, और इसका बत्ती क्या जाएगा? राम राज जा रहा खुला। बस राज्य के लिए हमें वोट देना, राज्य के लिए वोट दे रहे हम, भाजपा है हूँ क्या? और तो आपको महंगाई से, महंगाई कोई मतलब नहीं है? महंगाई तो सुन मेरी बात, सब सरकार में हो महंगाई, कोई इसमें ही नहीं है। क्या महंगाई है? 700 का सिलेंडर उसमें भी था सब सरकार में, चल 200 बढ़कर मिले था, लेन लगे थी, आदमी ने काम छोड़कर जाना पड़े था। अरे अब घर देखे जावे? अच्छा हाँ, अच्छा क्या और सब अच्छे ही अच्छा है। और तेल सरसों का कितना महंगा हो गया? कोई बात नहीं, सिरसा बहुत वो रखी होगा, बहुत ज्यादा है, सरसों की पैदावार बहुत ज्यादा है इनके, इब देख लियो भाई, इब लोग बाग भाई ने फ्री रिफाइन दे रहे, नून दे रहे, घर इतना नाच दे दिया, पी कर महंगाई। इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा? नाराजगी नहीं है, खैर चैनलों पर होगी नाराजगी, कहीं नहीं है, तू देखा भी होगा। 6,000 रुपए क्विंटल सिर सब बिक्री, फिर तेल गाइड होता 300 रुपए क्विंटल, 8,000 रुपए क्विंटल सिर सब बिक्री, के महंगा हो गया तेल हमारा। किसान तो बोलते हैं मरवा दिए भाजपा ने, मरवा दिए तेरी जान, मतलब बढ़िया हो गया जो कुछ हो रहा। राम राज आएगा, मौज आ रही, मौज आ रही है, मंदिर बन गया, खुश है। और तो मंदिर चाहिए कि या फिर इनकी रोजगार चाहिए? मंदिर मंदिर चाह, रोजगार नहीं चाहिए? अरे यार रोजगार भी हो जाएगा जी, मंदिर होगा इसके चुकर देना, रोजगार अपने आप ही नहीं हो जाएगा के? रोजगार में क्या लग रहा है? मजा लगा, मजा लगा, इतनी सारी भर्तियां कैंसिल हो गई आपको? मेरे घर के लगे 8 लुंडे, मेरे काम में 50 लड़के लगे, एक रफा लगा, एक रफा लगा, कोई काम नहीं है, पूरे क्षेत्र में जाओ कैमरा था रुपए हर काम। भर्ती कैंसिल कहाँ हो रही? पेपर दे रख के उनकी भर्ती हो जाएगी, इबावा की आचार संहिता लग रही, जो इसमें भर्ती हुआ निष्पक्ष हुआ, एक पैसा नहीं हुआ, नूनी हुआ, अखबार पकड़ गई, नेताजी का लंडा कर दिया, 10 लाख रुपए ले कर दिया, बिल्कुल गरीब घर के बच्चे जो मेहनती थे वो भर्ती हुए, लड़के लड़की नौकरी लगे, गाँव में पता भी नहीं लगा था नौकरी लग रही नहीं लग रही, इसी सरकार में पता लगा। 50-50 मिलेंगे हर गाँव के, घर घर के लगे 7-8 तो लड़के, पहले पता भी नहीं, लिस्ट आउट बन गए। विपक्ष वाले बोलते हैं भाई गोर जो योगी आदित्यनाथ उसको मठ में पहुंचा दिया, अपने घरों 4 किलोमीटर दूर है इसकी विधानसभा, जो जीता लड़ रहा हो, जो जीता लड़ रहा अखिलेश यादव, वह 4 किलोमीटर दूर है सफाई, तो कहाँ जा लिया वो, कहाँ गया? 40% ज्यादा है, सो कहीं ऐसी बात लड़ता जहाँ लड़ता है वहाँ थे योगी जी तो पहले थे लड़ता है, भला गोरखपुर तो उनका घर है, जैसे भी लड़ने की थी कैसी अध्यक्ष चुनाव अखिलेश ने विकास कर रखा था, कहना उनका अखिलेश ने विकास कर रखा था, कहीं तो लड़ लगता हो जीवना की विकास कर रखा हो, कहीं तो भी लड़ सके, परिवार ही नहीं बस में है उसके, परिवार के बहू कहीं भागरी चाचा कहीं फिर मना ले फिर कुछ हो रहा, भाजपा के सबसे ज्यादा नहीं बस में है, भाजपा के तो सबसे ज्यादा भाजपा का कौन भाग गया? जिनका टिकट कटे डर था जी ना वे भागे, बता धर्म सिंह सैनी कहाँ से आया था? वहीं से आया था, वहीं चला गया स्वामी प्रसाद मौर्य, जहाँ से आया था वही चले गया, कर दिया रे अपना, उन्हें उनका टिकट तो नहीं था, मलाई नहीं मिली खड़े ने, खड़े ने मलाई नहीं मिली, ये नहीं देते मलाई ने, खाते ना खान देते, मलाई मिल जाती तो ये रहता कहीं बिंदा था लड़के तो टिकट देने का, स्वामी प्रसाद के गांव वाला नुकाय का इसका ताल नहीं लगा पीछे कमान का, नु भाई क्या है लड़के तो टिकट दे, उसके गांव वाला ने कहा बाबा लड़ ले रहा अच्छा बड़ा है, पिछले 6 महीने तो बता था बाबा नहीं भाग्य का घंटा नहीं होने, और बाबा तो बाबा है भाई, मजा में रखा तेरी जान के सारे अपना, पहले यहाँ बीजेपी में आए लिए थे मोल्लू भी वही भाग गया मायावती के दौरे, क्यों क्यों आया था भाई वो बीजेपी में, कौन बुला रहा था उनने, ये तो मलाई मारे हैं चारों तरफ, यहाँ मिलती नहीं, यहाँ मिले सूखे टिकट बाबा ने तो हाँ, वो आप भी सूखे रो रो तो भी सूखी दे, बिना इसी के सोया बाबा जी, तखत पे तखत पे सोया, असली महाराज जी है वो,
और अरे ईमानदार आदमी है, अकेले का जागा बेचारा। तो किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आ रही, भाजपा की भी नहीं आ रही, योगी की आ रही। 3 note 3 जितनी पहले थी। अच्छा, 303 बहुमत से सरकार बनेगी? पूरे 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 बहुमत से बनेगी। कौन करे बनती नहीं है, बहुमत नहीं आने का हम 400 आ देंगे। जो 300 पे बहुमत नहीं आने का ना, तो हम 400 आओगे। अच्छा, 400 उसकी कहाँ आ जाएगी? अच्छा, उसी क्या अकेले की? अखिलेश की 400 है, मेरी 400 नहीं आनेगी। 410 आएंगी, 3 है। 10 मार्च में ईवीएम भी खराब होंगी, खराब होंगी। हाँ, ये सारे विपक्ष वाले कहेंगे 403 है सीट। 403 है, जितनी भी है 410 आऊंगी मेरी। 5-7 हम अलग बना के भेज देंगे। अरे भाई, भाजपा की आऊंगी, अखिलेश की नहीं आने की। आपका कॉन्फिडेंस है? अरे और यार जी, मजे दे रखे बाप बने रानू नमक गेहूं सब पे बिगड़े भी रहा है। मेरी नौकरी लग रही, और कौन किसके मजे आओगे? अपना नमक खुआ रहा बाबा, उसने कहेगा कोई हलाल नहीं। नमक हलाल लोग हैं यहाँ, नमक हराम तो है नहीं। उसका नमक कह रहा क्या, वोट उसी के देंगे, बक्से भर देंगे उसी के। किसका खाया नमक यार? नहीं मिल रहा राशन पानी भाई? गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, रिफाइंड मिल रहा, नमक मिल रहा, चने मिल रहे, ऊपर से पैसे भी मिल रहे, कोटा भी फ्री मिल रहा, और क्या ले उसकी जान ले भाई। किसान तो बोलते मरवा के चलते। हमने किसान है क्या? किसान कैसे हो? पूंछ वाले हो क्या किसान? कैसे होते हमारे तो किसान बता कैसे हो? हम किसान की जमीन है हमारा, 250-250 बीघे जमीन है हमारा। हमने कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका 100 बीघे इनका, 100 बीघे इनका, सारे किसान मरने भी बैठे थे। वो कौन थे फिर? वह तो दलाल लोग थे, वो तो पैसे ले दे अपना चलते थे। मील वाले मील के आगे बैठ के मील वाले पता ले लिए, इब जाओ काम चलता नहीं। बाबा की सरकार है तो छोटा तैयार दरिया भाई। अरे राकेश टिकेत वहाँ क्यों निकाल बाबा जी के लोग? इब जा तो जो है सब खुश है, किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है, सब अपने घरों जा लिए। बाबा ने खुश कर दिए सब, कोई नाराज नहीं है। अजीब रे, मतलब किसान एक साथ नहीं बैठ सकते, कौन बैठेंगे? दलाल एक साथ बैठ सकते हैं क्या? किसान एक साथ नहीं बैठेंगे? तो कितने किसान थे? हम नहीं किसान थे, हम देखे हमने वहाँ, इनमें कोई देखा हो भाई? चंद लोग हो, ये तो चंद लोग हो कर रहे हैं। ये तो सभी किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी, सब कहेंगे कुछ तो कहेंगे। हम परेशान है भाई, बाकी परेशान कोई है नहीं। किसान ही थे हमने, मैंने किसान बिल वापसी तो हो गए, वो तो कही बात थी। वापसी तो हो गया, मंदिर तो बन गया, फिर वापसी हो गया और मंदिर बन गया। देख कितने काम हो गए और कितनी सुरक्षा, देख किराड़ हो रही, किराड़ कहीं फिर लो कोई। अरे दलाल कहाँ थे वे? चल दलाल नहीं थे वे किसान थे। बिल वापसी हो गया फिर क्या रह गया बता? क्या रह गया? जब बिल वापसी हो गया तो फिर क्या रह गया? राकेश कहा था गठबंधन की, तो अगले दिन वो मना कर गया, हम किसी की हल्लो नहीं है। पक्के बीजेपी के तो बीजेपी की कट्टर पक्के हैं तो किसान है। आप नहीं है? हाँ मैं भी बीजेपी का ही हूँ। आप भी कहेंगे? हाँ बीजेपी की वोट दूंगा। हम चलें? हाँ बिल्कुल जाइए, चलिए चलिए चलिए। ये केराना की जनता थी जिनसे हम लोगों ने बातें की, ये जानने की कोशिश की कि आपकी बार किन किन मुद्दों को लेकर के ये लोग मतदान करने वाले हैं, और साथ ही आपकी बार केराना की जनता क्या कुछ चाहती है। खैर ये तो वक्त बताएगा कि अबकी बार क्या वास्तव में केराना में बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से योगी की सत्ता बनी बरकरार रहेगी।